सीकर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए और कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद से देख रहा है और इस दौरान उनके साथ सीआर चौधरी, सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत अनेक नेता भी मौजूद रहे। जब प्रदेश में जो है लोग, महिलाएं, युवा, इनके मन में आक्रोश भी है और यह दुखी हैं क्योंकि कानून का राज नहीं है, तो उनकी चिंता छोड़कर के इस प्रकार से ऐसी काम कर रहे हैं। मुझको लगता है यह मुख्यमंत्री बिल्कुल असंवेदनशील हो गए हैं। और अब बात करेंगे दौसा की, जहां पर महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश जिले के दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने सैनी छात्रावास में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। पौधारोपण के बाद ममता भूपेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम जनता से अधिक पौधे लगाने की अपील की है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मिशन 2023 पूरा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राजस्थान की जनता को राहत दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का मूड कांग्रेस के पक्ष में है, 2023 का मिशन भी जनता पूरा करेगी। देखिए, मानसून का सीजन है, सावन का महीना है, तो मैं तो सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि वृक्षारोपण में अपना जन सहयोग दें, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण में अपनी रुचि दिखाएं। पेड़ लगाना हम सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है, ऑक्सीजन मिलती है, और वैसे भी पौधा लगाना अपने आप में एक जीवन को नया जीवन देना है। तो मैं अपने जन्मदिन पे भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेरे जन्मदिन पे तमाम हमारी पंचायतों के अंदर हजारों की तादाद में पौधे लगाए थे, और आज मुझे खुशी हुई कि सैनी छात्रावास में सामूहिक पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, सभी ने मिलकर पौधारोपण का कार्यक्रम किया। तो वही